आज का विषय है विभिन्न रोगों में मिट्टी का प्रयोग। अप्राकृतिक आहार, अनियमित दिनचर्या एवं दूषित विचारों से जब शरीर में विजातीय द्रव्यों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, तब इस विष को निकालने के लिए हमारे शरीर के प्रमुख मल निष्कासक अंग, त्वचा, आंत, फेफड़े एवं गुर्दे भी अक्षम हो जाते हैं। इस स्थिति में उक्त विष शरीर के अंदर एकत्र होकर रोग पैदा करता है। प्राकृतिक चिकित्सा में इस विष को मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश तत्व की सहायता से विकसित उपचारों द्वारा शरीर का शोधन कर रोग मुक्त किया जाता है। मात्र पृथ्वी तत्व के कुछ प्रयोग से भी शरीर का शोधन कर सकते हैं, इस विष को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है जो संपर्क में जाने पर मनुष्य को प्राणवान एवं ऊर्जावान बना देती है। जंगल के पशु मिट्टी के साहचर्य के कारण अनेक रोगों से मुक्त रहते हैं। स्वच्छ मिट्टी पर या घास पर नंगे पांव चलने, बैठने एवं लेटने के अपने लाभ हैं। पंच महाभूतों में मिट्टी एक आधारभूत तत्व है। कहा जाता है कि यह शरीर मिट्टी से ही बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है। सभी जड़ चेतन वस्तुओं को धारण करने से इसे धरती, धरित्री, धरा कहते हैं। इसके गर्भ में कई रत्न और खनिज पदार्थ भरे रहने से इसे रत्न गर्भा, वसुधा, वसुमती, रत्न प्रसविनी कहते हैं। सभी रस पृथ्वी में मौजूद हैं। इसके गर्भ से खाद्य पदार्थ पोषक तत्व ग्रहण करते हैं जिन्हें खाकर हम स्वस्थ बनते हैं, इसलिए इसे रसा भी कहते हैं। विष के प्रभाव को नष्ट करने के कारण इसे अमृता भी कहते हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक एडल्फ जस्ट के अनुसार मछली जल का जीव है, वह जल में रहे एवं जी सकती है। पक्षी का निर्दिष्ट स्थान वायु है, वो आकाश का पक्षी है लेकिन मनुष्य धरती पर चलता है। उन्होंने पृथ्वी तत्व को धरती माता की संज्ञा दी, जिसकी गोद में सिर रखकर मनुष्य अपने अनेक रोग, शोक एवं कष्ट से मुक्ति पा सकता है। इससे शरीर की जीवनी शक्ति बढ़ती है, स्नायुमंडल सबल होता है, नेत्र ज्योति ठीक रहती है और मस्तिष्क पर गर्मी नहीं चढ़ती, नींद ठीक से आती है। पाचन तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र संबंधित रोगों की पृथ्वी चिकित्सा आसानी से की जा सकती है। रोगों के अनुसार मिट्टी चिकित्सा का प्रयोग लाभकारी होता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस अंग का रोग है उस अंग से जुड़े हुए सभी स्थान पर मिट्टी चिकित्सा दी जानी चाहिए। मिट्टी में विष को खींचने की अद्भुत शक्ति है। गीली मिट्टी को शरीर के किसी रोगयुक्त अंग पर बांध दिया जाए और फिर थोड़े समय बाद उसे खोला जाए तो उस मिट्टी में मनुष्य शरीर का विष बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। इसके अतिरिक्त पोषक तत्व देने की भी पृथ्वी में आश्चर्यजनक क्षमता है।